जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो आयनीशाय प्रणमो वत्साय नमो नमोरे सर्वसाधुनम् ओंकार विष्णुवे युक्तम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकातते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवसात गुरु की जय। दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चारित्र मोह के उदय जन्य जो जीव की अवस्था होती है उस पर चर्चा अपने विगत कुछ दिनों से चल रही है। चार प्रकार की कथाएं जाति के रूप में विभाजित करी है चारित्र मोहनी में। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। ये जब कथाएं पर्याय में होती है तो ये किस चारित्र का घात करती है ऐसा यहाँ बंटवारा भी किया है कि यदि अनंतानुबंधी कथाएं है इसका मतलब है स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, और यदि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है तो देश चारित्र भी नहीं है और सकल चारित्र भी नहीं है, है ना? बात समझना, क्योंकि क्रम है इनके जाने का, ठीक है? तो चार प्रकार की कथाएं और चार प्रकार का चारित्र, ठीक है? बात समझ में आ रही बाबू जी? प्रतिपक्षी बताया ना, चार प्रकार की कथाएं और चार प्रकार का चारित्र, चारित्र कहो या धर्म कहो, ठीक है ना? तो ये प्रतिपक्षी मतलब इन दोनों में से एक रहेगा, है ना? या अनंतानुबंधी है इसका मतलब है कि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, और स्वरूपाचरण चारित्र है इसका मतलब है अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, है ना? ये दोनों प्रतिपक्षी है। यहाँ चरणान्योग की मुख्यता से त्याग न हो सकने की अपेक्षा से कहा है, अपने स्वरूप की स्थिरता के संबंध में भी अपन ने चर्चा करी इस तरह से कि किस प्रकार का विभाजन है। एक तो अपने स्वभाव की रुचि, उसकी प्रतीति, एक उसमें आंशिक स्थिरता, दो उसमें स्थिरता की वृद्धि, तीन और फिर उसमें पूर्ण स्थिर, चार। ऐसे बंटवारे करें ना अपन ने, ठीक है? उसके आधार से वहां चार प्रकार का चारित्र, चारित्र मतलब लीनता, है ना? अभी यहां जो बात कही, जो अपन प्रकरण चर्चा में ले रहे हैं विगत दो तीन दिन से, यहां कह रहे हैं कि अनादि संसार अवस्था में चारों प्रकार की इन कसायों का निरंतर उदय होता है। एक बात, अब उसमें उदय की तीव्रता मंदता अलग बात है और इन कसाय का उदय अलग बात है। दो बातें यहां बता रहे हैं क्या, तीव्रता मंदता अलग चीज है
और वो कसाय का प्रेजेंस होना अलग चीज है। और धर्म का संबंध तीव्रता और मंदता से नहीं है, कसाय के अभाव से है। ये बात अपने को बराबर समझनी है। क्या बात समझनी है अपने को? धर्म का संबंध किससे है? अभाव से है। क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र होगा, इसका मतलब है अनंतानुबंधी का अभाव होकर ही होगा, अनंतानुबंधी की मंदता में नहीं होगा। ये बात समझे समझनी। आपको बात पकड़ में आई है क्या? बात पकड़ में आ रही है निश्चल क्या? अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक ही स्वरूपाचरण चारित्र होगा, अनंतानुबंधी की मंदता पूर्वक स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही मुकेश जी भाई साहब क्या? ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि ये अगर अभाव है तो ये चारित्र है, ये अभाव है तो ये चारित्र है। और इसमें अगर इस कसाय है, अब है में भले तीव्रता मंदता किसी भी प्रकार की हो, है इसका मतलब ये धर्म प्रकट नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? सरल है, ऐसे बहुत कठिन नहीं है विषय। थोड़ा सा आप उपयोग को एकाग्र करोगे तो पकड़ में आ जाएगी बात। क्या विषय? बिल्कुल सरल है। धर्म का संबंध किससे है? वो जो कसाय के अभाव से है। आई बात समझ? कसाय की मंदता से नहीं। ये बात पकड़ में आ रही ना सबको? बराबर बराबर, ठीक है। यही बात यहां पर टोडर मजी साहब ने इस पैराग्राफ में यहां कही है। देखो पेज नंबर 45, वही पैराग्राफ जो अपन कल चर्चा कर रहे थे, वापस आप वहीं अपने उपयोग को वहां ले जाओ। क्या कह रहे हैं? परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कसाय हो। अभी आप नाम भी नहीं रखना हो याद, कृष्ण लेशा तो छोड़ दो, अरे कसाय की तीव्रता हो एक बात, और कसाय की मंदता हो दूसरी बात। वहां पर भी दोनों परिस्थिति बता दी टोटल मिली जान ने, कौन सी? कसाय की तीव्रता हो और कसाय की मंदता हो। किस जीव को? जो अनादि संसार दशा ने मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव के कसाय की तीव्रता हो और कसाय की मंदता हो, वहां पर भी क्या लिखा है? चारों का निरंतर उदय रहता है। चारों का मतलब किन चारों का? अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी का उदय है मतलब नीचे की तीनों का उसके साथ उदय समझना। अनंतानुबंधी का उदय है इसका मतलब है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन का उदय है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय है इसका मतलब समझना कि प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन का उदय है, है ना? प्रत्याख्यानावरण का उदय है इसका मतलब समझ लेना कि स्वंजलन का उदय। नीचे की तो उसके साथ है ही, क्योंकि ये क्रम से जाती है। बात पकड़ में आ गई आपको? तो अनादि संसार अवस्था में किन कसायों का बोले उदय है? कि बोले चारों का। और उदय कैसा है? बोले निरंतर। तो फिर कसाय की तीव्रता मंदता क्यों हो? कसाय की तीव्रता मंदता से इसके अभाव का कोई संबंध नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये बात यहां कह रहे हैं। अब ये दूसरी पंक्ति में ये बात स्पष्ट करी कि इनका जो भेद है ना, भेद क्या? भेद नाम डाले ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, ये तीव्रता मंदता से नहीं डाले हैं। ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। तीव्रता मंदता से तो अपन ने नाम डाले हैं क्या? कृष्ण नील कापोल। आई बात समझ में? अपन ने तीव्रता मंदता से क्या नाम डाले हैं? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये डाले हैं तीव्रता मंदता से। और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान ये किससे डाले हैं? उनकी जाति से। तो आप इन इन से अनेक कृष्ण से अनंतानुबंधी है और शुक्ल से अनंतानुबंधी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात इस पंक्ति में स्पष्ट कर, ठीक है? बात पकड़ में आ गई आपको? पढ़ू मैं पंक्ति फिर? देखो क्या कहते हैं, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। मिल गई पंक्ति आपको? तो तीव्र मंद की अपेक्षा क्या भेद है? तीव्र मंद की अपेक्षा क्या भेद है? तीव्र मंद की अपेक्षा से तो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये किसकी अपेक्षा से भेद है बाबूजी? ये तीव्र मंदता की अपेक्षा से भेद।
ठीक है। और धर्म किसके अभाव में प्रकट होगा कि बोले अनंतानुबंधी जाएगी तो स्वरूपाचरण, अप्रत्याखरण जाएगा, तो इनके नाम से धर्म का अभी कोई अभी संबंध नहीं है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज। समझ में आ गया? बराबर बात पकड़ में आ रही है आपको? बराबर देखो, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, ठीक है। तीव्र मंद की अपेक्षा भेद क्या है? हाँ, ये छह प्रकार के जो नाम है तीव्र मंदता की है, और अनंतानुबंधी के नाम कैसे रखे? तो फिर यहां उत्तर दिया, सम्यक और चारित्र की घात की अपेक्षा है। अब बात समझ में आ गई है? इसका मतलब यह है कि आप लेशिया के आधार से सम्यक चारित्र की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? क्या बात पकड़े भाई? जो तीव्रता मंदता का नाम है वो कैसे है? वो तो कृष्ण नील का पोत है। और सम्यक्तादि के घात की बात करेंगे तो किरण से देखना है आपको, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान आवरण से, क्योंकि नील का पोत को देखकर आप सम्यक और चारित्र के घात को नहीं पहचान सकते। बात पकड़ में आ रही है आपको? सरल है बात तो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं? कौन बता देगा आप में? तो फिर मैं आगे बढ़ू थोड़ा आगे, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और गाढ़ापन है। अरे समझ में आ गया जी, बढ़े आगे? क्या क्या समझ में आया ये बता दो आप तो। अपने कसाय के मंद परिणाम को धर्म मान के मत बैठना। धर्म कहां से पकड़ना है अपने को? कसाय के अभाव से। बात पकड़ में आ गई है ना? अब अपना जो कल की बात कही थी, क्या बात कही थी बाबूजी कल? ये दो बात लिखी हुई ना, इसमें मिटाई नहीं, याद रह जाएगा। क्या बात कही थी कल? कि सम्यक दर्शन जब भी प्रकट होता है वह मंद कसाय की भूमिका में ही होता है, तीव्र कसाय वाला तो उसका अधिकारी ही नहीं है ना। तीव्र कसाय यहां मतलब क्या समझना बाबूजी? तीव्र कसाय मतलब लेशिया, या क्या समझना? लेशिया इस पंक्ति के अंदर कि जिसके कृष्ण लेशिया है, ऐसा जीव तो सम्यक का उस समय में अधिकारी नहीं है। वो पर्टिकुलर की बात चल रही, पर्टिकुलर कि उस समय पर्याय में कसाय की तीव्रता होगी। अभी प्रश्न है ऐसा क्यों? देखो, जो अभी मिथ्या दृष्टि है उसके अभी चारों प्रकार की कसाय का उदय चल रहा है, ये बात तो ओके है, ठीक है। पहले नंबर की बात है ना, मिथ्या दृष्टि है जिसे अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, उसके चारों प्रकार के ये जो है ना कसाय, उनका उदय चल रहा है, ओके। अब उसमें उदय में, चारों उदय में यहां भेद डाला है, तीव्र और मन दो भेद डाला है। क्या भेद डाला है? तीव्र और मंद। और अपन ने अभी पहले रत्नकर शावकाचार्य जी में भी पढ़ा था, लब्धियों के प्रकरण आए थे तब, यहां टोडरमल जी साहब भी बताएंगे है पांच लब्धियों के पहले के सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन संगी जीव होना चाहिए, वो क्षयोपशम की पात्रता से, ठीक है ना, कि उसने उसमें तत्व विचार करने की शक्ति होगी, वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, एक बात, ठीक है, वो उस एंगल से बात कही। दूसरे एंगल से बात कही कि मंद कसाय ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, तीव्र कसाय वाला। बोले साहब क्यों? तो टोडरमली साहब ने एक एंगल दिया कि तीव्र कसाय वाला तो क्या करेगा? तो पाप का ही कार्य करेगा, उद्यम करेगा तो काय का कार्य करेगा। अभी अपन दूसरे एंगल से बात करते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है। देखो, चारों प्रकार की कसायों का अभी उदय चल रहा है, अभी सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है अपने को ये समझना है ना। या आगे यहां कहेंगे टोडरमल जी साहब कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ये तो सब आपको पता है ना। क्या क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मिथ्यात्व संसार का मूल है। एकदम बिल्कुल सरल फार्मूला फिट कर लेना आपके चित्त में। क्या फिट करना है अपने को? सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, अने बिना सम्यक दर्शन धर्म प्रकट नहीं होगा।
बिना सम्यक दर्शन चारित्र प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ में? ये बिल्कुल आप फिट कर लेना। और मिथ्या दर्शन है, इसका मतलब है अभी अनंत संसार खड़ा है। सीधी सीधी बात है, दो टुक बात है, ठीक है। अभी सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है, तो ये बात आप सबके चित्त में अच्छे से स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक प्रकट होता है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। कैसे प्रकट होता है सम्यक दर्शन? आत्मानुभूति पूर्वक होता है, अपनी आत्मा का अनुभव पूर्वक होता है, किसी क्रिया से है ना, किसी बाहर की एक्टिविटी से नहीं होता। ये तो आपके सबके चित्त में बैठा हो। अब प्रश्न है कि आत्मानुभूति कब प्रकट होती है? कि आत्मानुभूति किसको प्रकट होती है? अभी कब को छोड़ दो, किसको प्रकट होती है, है ना? अब मैं वहां तक ही पहुंच रहा हूं कि आत्मानुभूति तत्व के निर्णय पूर्वक होती है। आई बात समझ में? अभी मैं बहुत ज्यादा इसको फैलाऊंगा नहीं। कैसे होती है आत्मानुभूति? तत्व के निर्णय पूर्वक होती है। आई बात समझ में? और जब ये तत्व का निर्णय कब होता है? ओके, अभी तत्व का निर्णय कब होता है? कि जब तत्व का विचार किया जाता है। आई बात समझ में आया? बिना विचार करने वाला निर्णय तक नहीं पहुंच सकता है। ओके, फिर तत्व के विचार पूर्वक तत्व का निर्णय होता है। और तत्व का विचार नियम से मंद कसाई की भूमिका में होता है। तीव्र कसाय वाला तो एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री, इसको हटा दो, इसको गिरा दो, ये ले लो, ये उसके क्या चलता है, वो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर सकता, वो तीव्र कसाय की उम्र। इसीलिए जब भी सम्यक दर्शन के संबंध के बीज बोए जाएंगे, वो कहां से कार्यक्रम होगा, वो भूमिका कब होगी? मंद कसाय की भूमिका होगी। तत्व का विचार होगा, तत्व का निर्णय होगा, उपयोग को समेटकर अपना जो निर्णय, अपना जो स्वभाव है उसके सन्मुख लिया जाएगा, और फिर आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होगा। ये विधि है। तो पहली बात तो आपके ये समझ में आ गई। क्या बात में समझ में आ गई? कि मंद कसाय की भूमिका में ही सम्यक दर्शन प्रकट। पहली बात समझ में आ गई। सरल है बाबूजी? सरल है। अब थोड़ा सा मैं कठिन करता हूं कि जिस यहां जो बात कही जा रही है कि मंद कसाई की भूमिका में, अब मेरा प्रश्न है कि उस जीव को कौन सी कसाई का उदय चल रहा है वहां? इधर आ जाओ भाई। जब सम्यक दर्शन नहीं है, इसका मतलब है कि चारों प्रकार की कसाई का उदय चल रहा है ना। सम्यक दर्शन नहीं है, इसका मतलब तो है चारों प्रकार की कसाई का। अरे हाँ जी या ना जी, आप हाँ हाँ मिलाओगे तो मुझे लगेगा कि हाँ गाड़ी सही चल रही है, है? भाई अभी सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व की भूमिका है, ठीक है। और उसमें अपन ने मिथ्यात्व की भूमिका में भी दो बंटवारे कर दिए कि एक तो मिथ्यात्व की भूमिका तीव्र कसाय वाली, उसमें तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। एक मिथ्यात्व की भूमिका में मंद कसाय, तो मिथ्यात्व मतलब अभी अनंतानुबंधी की ऊंची वाली लेशा न होकर नीची वाली लेशा है, ठीक है। फिर तो ये बात आपके बराबर चित्त में बैठना है। क्या रखनी है? ऐसा नहीं समझना है कि मंद कसाय में अनंतानुबंधी चली गई। अभी तो जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब अनंतानुबंधी का अभाव होगा। अभी सम्यक दर्शन है ही नहीं तो अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ है। लेकिन कसाय की मंदता की भूमिका में ये जीव विचार करता है, निर्णय करता है ना, उपयोग को समेट कर उसके सन्मुख ले जाता है। जिन्होंने ऐसी चारित्र को प्रकट किया उनके प्रति भक्ति का भाव आता है। ये व्हाटएवर में भी ये मंद कसाई की ये जो भूमिका चलती है, इस तरह की एक्टिविटी चलती है। लेकिन इन सब एक्टिविटीज से जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा नहीं समझना कि हमारे अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। अनंतानुबंधी है, ठीक है। अब दूसरा जो अपन ने स्लोगन लिया था, क्या
कि मंद कसाय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। मंद कसाय की भूमिका में होता है लेकिन मंद कसाय से नहीं होता। दो बात बराबर पकड़ में आ रही कि मंद कसाय की भूमिका में तो होता है ना, लेकिन मंद कसाय से नहीं होता। तो मुकेश जी भाई साहब आपका प्रश्न है कि फिर मंद कसाय से नहीं होता तो मंद कसाय में क्या क्या होता है ये तो बताओ, ताकि हमारे समझ में आ जावे कि मंद कसाय में इतने सारे काम होते हैं और हम कहां अटक गए, है ना। तो मंद कसाय में बहुत सारे काम होते हैं, आई बात समझ में। मंद कसाय में बहुत सारे काम होते हैं। अब किस काम से सम्यक दर्शन होता है एक बात समझना, और किस काम से नहीं होता है ये बात समझना, तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको, है? अभी अब अपन क्या खोज कर रहे हैं दूसरे नंबर कि मंद कसाय में क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो देखो अब मंद कसाय में क्या क्या काम करता है, तीन तरह के काम से अपन, हालांकि काम बहुत सारे लेकिन विषय विस्तार हो जाए। पहले तो मंद कसाय में क्या करता है, मंद कसाय से भोग भोगता है। दूसरा नंबर मंद कसाय से व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है। और तीसरा मंद कसाय से की भूमिका में सम्यक का पुरुषार्थ करता है। मैं और ज्यादा नहीं ले रहा हूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, आज जब प्रकरण आएगा तब अपन। क्या चल रहा है प्रकरण मन, अभी देखो बात क्या चल रही थी कि मंद कसाय की भूमिका में ही सम्यक दर्शन होता है, तीव्र कसाय वाला तो उसका अधिकारी नहीं है, है ना, ये बात तो पक्की है। लेकिन मंद कसाय से नहीं होता है, इस बात को समझने के लिए कि मंद कसाय में और क्या क्या होता है ये तो बता दो आप, तो तब पता चलेगा कि सम्यक दर्शन का क्या कारण है और मंद कसाय में क्या और दूसरी एक्टिविटी होती है जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता, ये बात आपके चित्त में बैठनी चाहिए, तब आपको अंतर पता चलेगा कि हम कहां चिपक गए, हम कहां अटक गए, हमारे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये बात अपने को बराबर समझनी पड़ेगी। क्या क्या बात चल रही है कि मंद कसाय की भूमिका में क्या क्या करता है जी, ठीक है। तो एक तो है मंद कसाय की भूमिका में क्या करता है कि मंद कसाय की भूमिका में उदय के अनुसार जो भोग है उनको शांति से भोगता है। बाबू जी क्या जो भोग मिल गए ना उसको उदय से उसको भोगता है, है? हाँ बहुत आगे की उसकी वांछा नहीं है, निदान जन्य बहुत ऐसे भाव नहीं है लेकिन शांति से भोगता है, कोई हेडेक नहीं है, अपने दो समय खाना खाया शांति से उठ गए, किसी को कुछ कहता नहीं है, कोई ज्यादा चीज सामग्री लानी नहीं है, बनाया जो खा लिया, थोड़ी देर लेट गए ऐसा ही, अपने कोई वो बिल्कुल शांति से वो हल्ला हो हल्ला नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा व्यापार नहीं कर रहा है, फैक्ट्री नहीं चला रहा है, ये धाँ धू नहीं कर रहा है, जो उदय से मिल गया उसको चुपचाप खाना भोग रहा है। एक तो मंद कसाय में ऐसा होता है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत शांत परिणाम वाला जी नहीं बोलते अपन, है नहीं बोलते हैं भाव जी, क्या शांत परिणाम वाला है, जो बना दिया वो खा लिया है, अब किसी को हल्ला नहीं, आप कुछ ले आए घर में तो हल्ला नहीं, कहीं कुछ कर दिया तो हल्ला नहीं, जो है चुपचाप क्या कर रहा है मुकेश जी भाई साहब, टाइम से मिल गया तो ठीक, आगे पीछे मिल गया तो ठीक, हल्ला नहीं कर रहा है उसको क्या बोलते भैया अपन, बड़ा मंद कसाई वाला जी, ठीक है। और डेफिनेटली उसके नीचे की लेशिया है, आई बात समझ में, है ना, डेफिनेटली उसको नीचे की लेशिया है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर का जीव और है मंद कसाई वाला, वो क्या करता है कि व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है, क्या करता है, दया देता है, दया करता है, दान करता है, पूजा करता है, तीर्थ यात्रा करता है, उपवास करता है और बड़ी शांति से इसी को धर्म मान के बैठता है। दूसरे नंबर का जीव क्या करता है,
ये काम भी मध्य कषाय में होता है। क्या सुशील भैया, दो तरह के हो गए मध्य कषाय के, ठीक है? एक तो है भोग भोगता है, ये टोडरमोझी साहब ने लिया है, जहां लिया है मैं वहां विस्तार और आपको करूंगा इसका, ठीक है? दूसरे नंबर की बात क्या है कि मध्य कषाय से क्या करता है बाबू जी, व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है। व्यवहार धर्म किसको कहना? हाँ, दया दान पूजा व्रत है, ये जो बाहर में उपचार से जिसको धर्म कहा है, इनके कार्यों में लगा हुआ है, हैं? वो दुकान फैक्ट्री नहीं चला रहा है, मंदिर के कार्यों में लगा हुआ है। और कैसे लगा हुआ है? पड़ी कसाय की मंदता से, ठीक है, अत्यंत प्रीतिपूर्वक हाँ वो काम करता है, लेकिन अंदर में एक उसके चाशनी चलती है। क्या धारा चलती है? कि ये जो व्यवहार धर्म के जो कार्य है ये धर्म है, मुझे कसाय नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध है ये तीव्र क्रोध पाप है, और ये जो मंद कसाय का परिणाम है ये धर्म है। ऐसी अंदर में धारा तो चलती है, लेकिन उसके कसाय की लेशिया कौन सी है? नीचे वाली है, है? तो दूसरे नंबर का काम मंद कसाय से वो व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है। और तीसरे नंबर का काम है कि मंद कसाय की भूमिका में यह अपने स्वभाव का विचार करता है कि मेरा स्वभाव कसाय से भिन्न अकसाय वाला है, मैं परिपूर्ण हूं, और ये जो शुभ अशुभ भाव है ये मुझसे भिन्न है, ये उदय और औदयिक भाव से मैं भिन्न हूं, ऐसा तीसरे नंबर का जीव विचार करता है, विचार करके निर्णय करता है, निर्णय करके आगे बढ़ता है। ये तीन प्रकार के काम मंद कसाय में होते हैं। मुकेश जी भाई साहब, अभी और हो सकते हैं, अभी तीन की बंटवारे, अभी इन तीनों कामों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? इन तीनों काम से समय, पहले नंबर से तो आपको खुद को ही लगता है कि सम्यक दर्शन की क्या प्राप्ति होगी, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, पोते को खिला दिया, जो मिल गया खा लिया, अपने सो गए टाइम से, घुमाए कोई हल्ला नहीं, तो उससे क्या सम्यक दर्शन हो जाने वाला है, है? पांच इंद्रिय के भोगों में बस बिल्कुल शांति से लगा हो। और दूसरे नंबर का जीव यह है, सुबह उठ गया, आ गया, पूजा करने चला गया, है, कुछ व्रत पाल लिए, तीर्थ यात्रा कराए, कहीं घूम, तो ये व्यवहार काम में लगा हुआ है, ठीक है, है? कुछ चीज छोड़ दी, तो क्या मान के करता है, क्या मान के करता है बाबू जी? धर्म मान के करता है, ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, तो धर्म है, तो धर्म मान के करता है। तो उसके कितने परसेंट संभावना है सम्यक दर्शन की? अरे बोलो भाई, कितने परसेंट संभावना है? अरे आप खुद ही तो भगवान के सामने बोलते हो कि भवभव में जिन पूजन की नहीं, कितने भव हो गए मेरे को पूजा करते करते, भवभव में मैंने दान दिनो, मैंने ये काम तो हर भाव में किया है, और महाराज काम नहीं हुआ है, इसका मतलब है इससे काम नहीं होता है, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया है। अरे बोलो ना, आप ही बोलते हो ना बाबू जी भगवान के सामने, बोलते नहीं हो? क्या बोलते हो बोलो ना, भाव भाव में जिन पूजन किनी, जिन्होंने भगवान की पूजा करी, समोसरण में गया, दान भी दिया, व्रत को भी पाला है, यात्राएं भी की, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर कितना परसेंट काम हुआ है? जीरो? कुछ तो दे दो, नाराज हो जाएंगे सब, है? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मैंने ये तीसरे नंबर वाला काम नहीं किया। क्या नहीं किया? कि जो मंद कसाय से भिन्न मेरा जो स्वभाव है उसका विचार नहीं किया। मैं मंद कसाय का कर्ता बना फिरा, अपना अकर्ता ज्ञायक उसको नहीं स्वीकारा, उसका विचार नहीं किया। आई बात समझ में आई आपको? मैं दान देने का जो मंद कसाय का परिणाम है उसका तो करता फिरा, मैं करने वाला, इस भाव का करने वाला, इससे मेरे को पुण्य बंद होगा और फिर मेरे को उदय में आएगा तो सामग्री मिलेगी, पूरा रास्ता ही बाबूजी क्या था, वो कहां था? इधर से दृष्टि पर की तरफ थी पूरी। अभी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका विश्लेषण अपन बाद में करेंगे, इधर की तरफ दृष्टि नहीं थी, इस तरह का पुरुषार्थ नहीं किया, तो मेरे को सम्यक दर्शन
प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए अपन बोलते हैं ना कि मंद कसाय से नहीं होता है। इसका मतलब है कि मंद कसाय से तो ये काम भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मंद कसाय से ही धर्म मान जाओगे ऐसा नहीं है। तो फिर किससे होगा कि मंद कसाय की भूमिका में अपना अकसाय स्वभाव के आश्रय से होगा। आई बात समझ में? क्या मंद कसाय से भिन्न अपना जो स्वरूप है उसके निर्णय से होगा। अभी बात पकड़ में आ गई आपको? बराबर पकड़ में आ गई? कजाव साहब गड़बड़ तो नहीं? आपको दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे थे, एक जैसे तो नहीं है? अरे बोलो, दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे थे, एक जैसे तो नहीं है? कल कजाव साहब कह रहे थे मेरे को कोई फर्क ही नहीं लग रहा। अभी अब फर्क लग रहा है ना आपको? है बाबू जी, तीन तरह के जीव हैं। एक घर में है, पोते को खिला रहा है शांति से, कुछ भी नहीं कर, वो हल्ला और नहीं कर रहा है, जो सामग्री उसमें संतुष्ट है। एक मंदिर में दयादान पूजा व्रत करके संतुष्ट है, और एक अंदर में तत्व विचार करके भेद विज्ञान कर रहा है। इन तीनों की भूमिका मंद कसाय की है। क्या तीनों में अंतर नहीं है? हा? अंतर है ना? अपन कहां अटके हुए हैं? अपन कहां अटके हुए हैं धर्म के नाम पे, ये बतावा है? अंदर में कहीं ऐसा तो नहीं मान के बैठे हुए हैं कि जो हम दयादान पूजा व्रत, ये जो हम स्वाध्याय सुन रहे हैं तो हमारे धर्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं मान? ये जो भाव है ना, स्वाध्याय सुनने का भाव मंद कसाय की भूमिका में, सर ये भाव भी मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं बिल्कुल इससे भिन्न हूं, ऐसा अंदर में विचार करके निर्णय करना, यह है असल पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का। बात पकड़ में आया? उसमें संतुष्ट नहीं हो जाना, उस संतुष्टि का नाम है मिथ्या संतोष। उस संतुष्टि का क्या नाम है? है? अरे बोलो सब एक साथ, दया दान पूजा व्रत है ना, थोड़ा स्वाध्याय सुन लिया, कुछ क्रिया हमने कर ली और उसमें संतुष्ट हो गए कि मैं धर्मात्मा हूं, उसका नाम है मिथ्या संतोष। कब धर्म प्रकट हो जाएगा? क्या करना है अपने को? अंतरंग में इन परिणामों से, इस मंद कसाय के परिणामों से भी मेरा स्वभाव भिन्न है और इन परिणामों का मैं कर्ता नहीं हूं। किन परिणामों का करता नहीं हुआ जी? किन परिणामों का? ये दयादान व्रत के परिणाम है, इनका कर्ता मैं नहीं हूं। ये कर्ता कर्म की भ्रांति बनी हुई है इसी। वो अभ्यास से, भेद विज्ञान से, वस्तु के स्वरूप के विचार से, निर्णय से मिटेगी। आई बात समझ में आ? अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है वो गरिष्ठ 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 नहीं है, ये पहले में पहले सीखने वाला काम है। हाँ। प्रथम में प्रथम विधि नहीं मालूम होगी तो आप अटैक कहां करोगे? बात पकड़ में आ गई? तो कोई मंद कसाय के परिणाम से ऐसा मत मान लेना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कहां से पकड़ोगे आप? मंद कसाय के परिणामों में ये वाला काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपना, यहां से पकड़ना। कौन से वाला काम? कि मंद कसाय के परिणामों में मंद कसाय से भिन्नता का विचार। अरे कोई बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ मुकेश भाई साहब, कठिन तो नहीं होगी बात? मंद कसाय के परिणामों में संतुष्टि नहीं, मंद कसाय के परिणामों में धर्म मानना नहीं, मंद कसाय के परिणामों में मैं इस मंद कसाय से भिन्न, मेरे स्वभाव में कसाय ही नहीं है, मैं तो अकसाय स्वभाव वाला ऐसा ज्ञायक परम पारिणामिक भाव वाला तत्व हूं, ऐसी धारा चले तो समझ लेना मेरी दिशा सही है। भिन्नता भेद विज्ञान। चले आगे, कोई को क्वेश्चन तो नहीं? अरे हाजी या नाजी, कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब बात पकड़ में आ गई कि मंद कसाय से नहीं होगा, किससे? अकसाय स्वभाव के आश्रय पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव होगा। कसाय की मंदता तो अनंतानुबंधी का ही पैटर्न है, उसमें अभाव कहां है? वो तो अनंतानुबंधी का ही एक तरीका है, एक तरह की जाति है, मतलब एक तरह का प्रकार है। ठीक है, चले आगे, अब तो कोई गड़बड़ नहीं? देखो अब मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ, अब ये विषय पूरा आपको स्पष्ट हो गया होगा। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है,
परम कृष्ण लेशा रूप तीव्र कसाय हो वहां भी और शुक्ल लेशा रूप मंद कसाय हो वहां भी, निरंतर चारों का ही उदय रहता है। कजाव साहब बात पकड़ में आ गई ना, मंद कसाय है ना, शुक्ल लेशा हो वहां भी चारों का मतलब अनंतानुबंधी का उदय है, अनादि संसार के मिथ्या दृष्टि के। बात पकड़ में आ रही है ना आपको, मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके भले ही शुक्ल लेशा है लेकिन क्या है, अनंतानुबंधी का उदय चालू है। ठीक है, क्योंकि फिर यहां समझा रहे क्यों कह रहे हैं कि तीव्र मंद की अपेक्षा से अनंतानुबंधी का भेद नहीं है, किसकी अपेक्षा से, सम्यक और चारित्र के घात की अपेक्षा से यह भेद है इन्हीं प्रकृतियों का। अब इन्हीं प्रकृतियों का मतलब अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का, यदि तीव्र उदय हो तो वहां तीव्र क्रोधाधिक होते हैं और वहां मंद उदय हो तो मंद क्रोधाधिक होते हैं। इसका मतलब है कि यदि मंद कसाय है, लेशा मंद है, इसका मतलब अभी मंद उदय है, अभाव नहीं हुआ है। बात पकड़ में आ गई आपको, बात पकड़ में आ गई। ये दूसरी तीसरी पंक्ति भी सपोर्टिंग पंक्ति है ऊपर वालों की, या क्या कहना चाह रहे हैं कि मंद उदय में उन्हीं का मंद उदय है, अभाव नहीं है। क्या लिखा हुआ देखो, मंद अधुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, किनका उदय मंद होता है, उन्हीं का। अगर शुक्ल लेशा अनंतानुबंधी की है तो अनंतानुबंधी की ही है, अभाव नहीं हो गया अनंतानुबंधी का, ये बात है। चले आगे, अब तो बहुत पक्का हो गया होगा, अब तो गड़बड़ नहीं। अब और सपोर्टिंग पंक्ति कही टोडरमल साहब ने, देखो आप पढ़ते हैं उसकी, क्या कहते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर, कजाव साहब बराबर उपयोग लगाना, जिसके मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, उसके नियम से या तो चारों में से तीन, चारों में से दो या चारों में से एक का उदय होता है, और जिसके चारों का उदय है उसके सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, अब लेशा वेशा का कलर छोड़ो, आपको खत्म बात। क्या कहा, क्या कहा, अभी आप अभी अब शुक्ल वुक्ल की तरफ से छोड़ो, यदि चार में से चारों का उदय है इसका मतलब है उसके मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, उसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ है, ये बात कहना चाह रहे हैं एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये कह रहे हैं कि जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, चाहे वह अनंतानुबंधी के अभाव में हुआ हो, अब प्रत्याख्यानावरण के अभाव में वृद्धि हुई हो, प्रत्याख्यानावरण के अभाव में और वृद्धि हुई हो, यह सब मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्ग में खड़ा हुआ है। आई बात समझ में। दूसरा पक्ष, अभी आप मैं इसी पंक्ति में दो पक्ष पकड़ में आए, अभी पक्ष तीसरा और है, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी क्या देखो, मैं पढ़ता हूं फिर पैराग्राफ इसको, क्या कहते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से किसी मतलब अनंतानुबंधी का अभाव कब होगा मुकेश जी भाई साहब, मोक्ष मार्ग होने पर ही होगा, और ये चार है इसका मतलब है उसके अभी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। आई बात समझ में। लेशिया भले ही नीचे की हो, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, लेशिया शुक्ल है, देवगति में वो नवे ग्रह व्यक्त का बंद करें लेकिन अनंतानुबंधी है, इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। होगा, बस सीधी बात, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। आई बात समझ में। लेशिया क्या है छोड़ो, अभी लेशिया का कलर, अभी तो अनंतानुबंधी है इसका मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। देखो फिर पढ़ता हूं मैं पंक्ति, क्या कहते हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर, जिसके मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है उसके चारों में से या तो तीन रहेगी, दो रहेगी, या एक का उदय होगा, चारों का उदय नहीं होगा। आई बात समझ में। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, अनादि संसार अवस्था में मिथ्या दृष्टि के निरंतर चारों का उदय होता है, लेशिया कोई भी हो। बात पकड़ में आ रही है आपको, अरे कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।